भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य एक चर वाले द्विघाती या वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने अंकगणित, ज्यामिति, वर्गमूल तथा घनमूल इत्यादि क्षेत्रों में भी कार्य किया था। ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी एवं भास्कराचार्य 1150 ईस्वी के बीच के काल में श्रीधराचार्य 750 ईस्वी सर्वमान्य गणितज्ञ थे। श्रीधराचार्य के बारे में कहा गया है कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण के मलय पर्वत तक और पूर्व तथा पश्चिमी समुद्र की सीमा तक श्रीधराचार्य की तुलना का कोई गणितज्ञ नहीं रहा है। इन्होंने वर्ग समीकरण के लिए निम्न सूत्र दिया। चतुराहत वर्ग समय रूपे पक्ष द्वयम गुणियेत, अव्यक्त वर्ग रूपे युक्तो पक्षो ततो मूलम। पाटी गणित एवं गणित के इतिहास से, लेखक वेणुगोपाल एवं डॉक्टर हिरर। वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र। द्विघात वर्ग समीकरण का मानक रूप a x की घात 2 धन b x धन c बराबर 0 होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं और a 0 के बराबर नहीं है। x की घात 2 के गुणांक से समीकरण में भाग करने पर, अब x की घात 2 का गुणांक है हमारा a। अब कहीं हम इस समीकरण को a से भाग देते हैं तो पहला जो पद है हमारा वो x की घात 2 होगा। a x की घात 2 बटा a करेंगे तो a और a कट जाएगा, x की घात 2 धन b बटा a x धन c बटा a बराबर 0। अब हम c बटा a का पक्षांतर करेंगे, x की घात 2 धन b बटा a x बराबर ऋण c बटा a। समीकरण के बाएं पक्ष में हम a धन b की घात 2 सरसमीका बनाने के लिए हम दूसरे पद में x की घात 2 की जगह x की घात 2 लिखेंगे। धन सरसमीका बनाने के लिए सूत्र में 2 आता है तो 2 से हमने यहाँ गुणा किया, b बटा यहाँ पे 2 से भाग करेंगे क्योंकि हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा किए और b बटा a में b बटा 2a लिखे ताकि ये दो और दो अंश और हर का कट जाएगा। तो सर समीका बनाने के लिए हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया और गुणा x। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये a की a का वर्ग, तो a क्या है, x है, यहाँ x है और सर्व समीका में 2 जो है हमारे पास रहता है, a का वर्ग धन 2ab। तो यहाँ से पता चलता है कि b का मान जो होगा वह b बटा 2a होगा। तो हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया तो यहाँ इसका मान बदलेगा नहीं, b बटा a x रहेगा और फिर बराबर ऋण c बटा a। अब 2x का गुणांक, 2x के गुणांक का वर्ग करके दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे तो x की घात 2 धन 2 b बटा 2a x। तो 2x का गुणांक है हमारे पास b बटा 2a, तो हम दोनों पक्षों में b बटा 2a के वर्ग को जोड़ रहे हैं दोनों पक्षों में। इधर है दाएं पक्ष में ऋण c बटा a और धन b बटा 2a की घात 2। अब यहाँ पे हमने दोनों पक्षों में 2x का गुणांक b बटा 2a के वर्ग का को जोड़ा है बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। इसके पश्चात यहाँ पे हम
एक की घात दो धन दो ए बी धन बी का वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं एक्स धन बी बटा दो ए की घात दो बराबर ऋण सी बटा ए और धन कोष्ठक को खोलने पर हमें प्राप्त होगा बी की घात दो बटा चार ए की घात दो। बी की घात दो और दो ए का वर्ग जब हम लेंगे तो दो ए गुणित दो ए चार ए की घात दो, या एक्स धन बी बटा दो ए की घात दो बराबर यहाँ पे हम लघुत्तम निकालेंगे a और 4 a के वर्ग का, तो यहाँ पे आएगा 4 a की घात 2। 4 a की घात 2 को हम जब a से भाग करेंगे 4 a प्राप्त होगा, 4 a को c से जब हम गुणा करेंगे ऋण c से गुणा करेंगे, 4 a को ऋण c से गुणा करेंगे तो ऋण 4 a c धन 4 a के वर्ग को फिर 4 a से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 गुणित b की घात 2 बराबर b की घात 2, या एक्स धन बी बटा दो ए की घात दो बराबर इसे हम लिख सकते हैं बी की घात दो ऋण चार ए सी कोष्टक बंद बटा चार ए। एक्स धन बी बटा दो ए की घात दो बराबर बी की घात दो ऋण चार ए सी बटा चार ए की घात दो। आगे हम देखते हैं, हमने प्राप्त किया था कोष्टक में x धन b बटा 2a की घात 2 बराबर कोष्टक में b की घात 2 ऋण 4ac कोष्टक बंद बटा 4a की घात 2। यहाँ पे बाएं पक्ष में जो कोष्टक के ऊपर घात दो है इसका हम जब पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा x धन b बटा 2a बराबर धन ऋण वर्गमूल b की घात 2 ऋण 4ac बटा 4a की घात 2। यहाँ पे हमने वर्गमूल लिया है, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेने पर फिर इसके बाद x धन b बटा 2a बराबर धन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर b की घात धन ऋण वर्गमूल b की घात 2 ऋण 4a c बटा 4a की घात 2 का वर्गमूल जो है वो हो जाएगा 2a, या x बराबर b बटा 2a का पक्षांतर कर देंगे तो धन b बटा 2a को हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर ऋण b बटा 2a धन ऋण वर्गमूल b की घात 2 ऋण 4 ए सी बटा 2 ए, या x बराबर अब हम दोनों पदों में देखेंगे कि हर में 2 ए हैं, इसका लघुत्तम हम निकाल लेंगे 2 ए, और 2 ए को जब हम 2 ए से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 को ऋण b से गुणा करें तो ऋण b धन ऋण वर्गमूल b की घात 2 ऋण 4 a c। इस तरह से हमने x का मान ज्ञात किया, वर्ग समीकरण को हमने हल करके सूत्र जो निकाला है वो x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b की घात 2 ऋण 4 a c बटा 2 a, ये हमने वर्ग समीकरण हल कर सूत्र प्राप्त किया है।
सोचें एवं चर्चा करें। 3x का वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0 को किस किस विधि से हल किया जा सकता है? क्या सबसे हल एक जैसा आएगा? पूर्ण वर्ग विधि व मध्यपद तोड़ने की विधि क्यों आसान नहीं है?